खबर नागौर के कुचामन सिटी से है, जहां कोरोना मरीजों का राजकीय चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुचामन सिटी के राजकीय चिकित्सालय की तो इस अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में 61 पॉजिटिव मरीजों का इलाज जो है वो जारी है। अस्पताल के कोविड केयर प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वी के गुप्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुचामन सिटी में संक्रमित हुए 79 मरीजों को इलाज के लिए लाया गया था, जिनमें से 3 मरीजों को उनकी स्थिति के मद्देनजर जयपुर रेफर किया गया था और उनमें से भी 2 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुचामन हॉस्पिटल में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया हुआ है कुचामन हॉस्पिटल को, जिसमें हमारे 50 बेड या रिजर्व 30 है, 20 रिजर्व है हॉस्पिटल में, और 40 बेड का देवनारायण में हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है। उसमें से अभी तक हमारे यहाँ 79 मरीज आए हैं, जिसमें से 3 को हमने जयपुर रेफर किया हुआ है, जिसमें से 2 नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 3 में से भी 1 को कल हमने रेफर किया है, उसकी डायबिटीज थी, चमन का ही है। हमारे यहाँ परवसर, मकराना, नावा, रियाबड़ी और कुचामन।